मध्य प्रदेश के सागर में आने वाले दिन यानी कि 27 सितंबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत देश विदेश के उद्योगपति हिस्सा लेने के लिए सागर आएंगे। आयोजन को देखते हुए यातायात पुलिस ने 27 सितंबर को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। कुछ रास्ते डायवर्ट किए गए हैं तो कुछ पर आम जनता की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें सिविल लाइन चौराहा से पीली कोठी की ओर जाने वाले मार्ग पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स परकोटा तिराहा सागरमत। इमानुअल स्कूल तिराहा से पहलवान बब्बा की ओर जाने वाले मार्ग पर आम जनता की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। कृष्णगंज तिराहा और MLB स्कूल तिराहा से पहलवान बब्बा की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अलावा झंडा चौक से PTC ग्राउंड वाला मार्ग PTC ग्राउंड मुख्य द्वार से, MLB तराहा से तहसीलदार बंगला तराहा से पहलवान बब्बा मंदिर तक का मार्ग आम जनता के लिए प्रतिबंधित रहेगा। वहीं आयोजन के दिन 27 सितंबर को सिविल लाइन से कटरा की ओर जाने वाली आम जनता सिविल लाइन से कैंट या जिला पंचायत कार्यालय होकर कटरा की ओर आवागमन कर सकते हैं। कृष्णगंज तराहा से सिविल लाइन की ओर जाने वाले लोग कृष्णगंज वार्ड होकर इमानुअल स्कूल से BSNL कार्यालय मार्ग होकर सिविल लाइन की ओर आवागमन कर सकते हैं। MLB स्कूल तराहा और झंडा चौक तराहा से सिविल लाइन की ओर जाने वाले लोग लाल स्कूल गोपालगंज से होकर कालीचरण तराहा से सिविल लाइन वाले मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल अब आने वाले दिन यानी कि 27 तारीख को मुख्यमंत्री सागर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब यातायात पुलिस बेहद चौकन्नी हो गई है और ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राहुल सिंह हिलगन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।